ईद के पाक अवसर पर इंदौर खजराना क्षेत्र के दरगाह कमेटी हाजी यूनुस पटेल ने सभी नगर वासियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देते हुए देश में अमन शांति बनाए रखने एवं केरल में आई आपदा के लिए मदद का आह्वान किया है। साथ ही हाजी यूनुस पटेल ने बताया कि दरगाह कमेटी की ओर से गरीबों के लिए नाम मात्र शुल्क पर मेडिकल सेवा, धर्मशाला, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, उर्दू लाइब्रेरी एवं लड़कियों के लिए आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा आदि शुरू किया जाना है। कमेटी द्वारा दरगाह में कई निर्माण कार्य भी करवाए जा चुके हैं। ईद के मौके पर, ईद तो ये कुर्बानी का त्यौहार है, हर आदमी को अपनी कुर्बानी देना चाहिए। कुर्बानी सिर्फ बकरा तो प्रतीक मात्र है, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल किया था और बेटे की जगह पर उन्होंने दुम्बा, जिसको अपने यहाँ पे बकरा बोलते हैं, उसको पेश कर दिया था, जन्नत से दुम्बा भेज दिया था। तब से ये कुर्बानी उसी की होती आ रही है, बकरे की कुर्बानी होती आ रही है। ईद ईद अजहा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ईद इसलिए मनाई जाती है कि हमारे पैगंबर साहब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनसे अल्लाह ने कुर्बानी मांगी थी कि साहब आपकी दुनिया में जो भी आपको पसंदीदा चीज़ हो, जिससे बहुत मोहब्बत करते हो, उसकी कुर्बानी दी थी। तो उन्होंने पहले 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, फिर 500 ऊँटों की कुर्बानी दी, फिर 1000 ऊँटों की कुर्बानी दी, फिर ख्वाब में उनको यही तजवीर हुई कि नहीं साहब, आप और भी जो आपको दुनिया में सबसे अजीज हो, उसकी कुर्बानी दी। आपने अल्लाह की राह में जब देखा कि कुर्बानी मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा दुनिया में सबसे अजीब चीज़ मेरे लिए मेरे बेटे औलाद से, हजरत इस्माइल से अलावा कुछ है नहीं। तो उन्होंने अल्लाह की राह में अपने बेटे की कुर्बानी भी देना चाहिए। उन्होंने कुर्बानी के लिए बेटे को भी तैयार किया, शैतान ने उनको बरगलाया भी, सब कुछ किया, पर वो माने नहीं। हजरत इस्माइल ने भी उनकी बातें नहीं मानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल उनकी कुर्बानी देने के लिए पहाड़ पर लेकर के गए, तो पट्टियाँ बांधी उन्होंने कि कहीं बेटे को भी दर्द नहीं हो। बेटे ने, मतलब हजरत इस्माइल ने ही बोला उनसे कि साहब आप आँखों को पट्टियाँ बांध लीजिए कि मेरी गर्दन पर छुरी चलाते हो, काटते हो, अंदर दर्द नहीं महसूस हो जाए या दया नहीं आ जाए। तो उन्होंने पट्टी खुद पे भी आंखों पे बांधी, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी, और जब वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चला रहे थे, तब अल्लाह का रहमत जोश में आई और उन्होंने वहाँ से एक दुम्बा जन्नत से उस जगह पे भिजवा दिया। तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल को वहाँ से हटा करके उनकी जगह दुम्बे को पेश किया। तो वो दुम्बे की कुर्बानी उन्होंने की, और जब आंखों से पट्टी खोली तो देखा दूर खड़े होकर हजरत इस्माइल मुस्कुरा रहे थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल की है, और उनकी जगह पे एक दुम्बे को भेज दिया। दुम्बा मतलब अपने यहाँ पे जो भेड़ होती है, और अरब में दुम्बा बोलते हैं। तो तब से ये कुर्बानी चली आ रही है, और ये अपने यहाँ पे बकरे की कुर्बानी है। तो ये कुर्बानी था अल्लाह की राह में, अल्लाह ने जब उनसे मांगा तो उन्होंने यहाँ तक कि अपने बेटे को भी कुर्बान करने से हिचकिचाए नहीं। तो ये कुर्बानी है अल्लाह की राह में, अच्छाई के लिए, सारी चीज़ के लिए कुर्बानी करते हैं। ईद क्यों मनाई जाती है आप बता सकते हैं? ईद क्यों मनाई जाती है बता सकते हैं? कुर्बानी दी जाती है अल्लाह की राह में, और अल्लाह को पेश किया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उन्नत है और